क्या है ये सिर्फ दंगा करवाने के लिए लोग भेजे हैं, पैसे देते का लोग भेजे हैं, ये साजिश मानते हैं कि ताकि ये यहाँ से नारे लगाएं और उनको आक्रोशित करें और इनमें झगड़ा हो और सरकार। ये देश किसी व्यक्ति विशेष की बापोती नहीं है और जहाँ ये मैटर है, ये जो मसला है, इसके बारे में मैं दो बात आपको बताना चाहूँगा। सूचना इस धरने को आ जाए यहाँ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फोर, मैं प्रभात। अभी इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक तरफ चल रही है और एक तरफ पहलवानों का प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के, और क्या कुछ इधर हो रहा है वो आप देख सकते हैं। और हम भी लोगों से भी जानते हैं इस सभी मुद्दों पर उनका क्या कहना है। क्या कहना आपका इस मुद्दे में? ये अब ताना सही हो रहा है देश में, ताना बेटी के लिए तो कोई आवाज नहीं उठा रहा सुनने के लिए। यहाँ हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान सबका है। हिंदू राष्ट्र कौन खतरे में है? हिंदू सब है, भारत हिंदुस्तान सब का है, चाहे कोई भी जाति हो। भारत एक है, इंसान एक है, खून एक है। क्यों ये भाई भाई की लड़ाई बजवाने के लिए यहाँ? इनके माँ बेटी नहीं है क्या, बहन नहीं है क्या? ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। देखिए, जो जहाँ तक ये आप पीछे पूछ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग है, अगर हिंदू राष्ट्र ही बनाना होता तो सबसे पहली मांग इन हिंदू राष्ट्रवादियों को ये देखनी चाहिए थी कि इनकी एक बेटी के साथ यौन शोषण का केस हुआ है, तो पहले इनको मांग उठानी चाहिए, उस तरीके का माहौल बनाना चाहिए जो हिंदू सभ्यता कहती है। हिंदू सभ्यता क्या कहती है? कि बहन बेटियों की इज्जत की जाए, ना कि उनके साथ यौन शोषण या दुराचार किया जाए। तो हम बिल्कुल यहाँ पे ये सरकार की एक साजिश मानते हैं कि ताकि ये यहाँ से नारे लगाएं और उनको आक्रोशित करें और इनमें झगड़ा हो और सरकार को ये मौका मिले कि हमारे प्रदर्शन को यहाँ से उठाया जाए। लेकिन हम अपने प्रदर्शनकारियों से साफ तौर पे अपील करते हैं, सरकार के किसी भी बहकावे में ना आए और इस तरीके के तत्वों पे तो खास तौर पे ध्यान ही ना दे। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के संविधान में ये लिखा है कि इंडिया इज ए सोशल डेमोक्रेटिक कंट्री, वो तो उसमें पहले रख रखा है प्रस्तावना में ही, और उसमें हर आदमी के अधिकार हैं, हर मंत्री के अधिकार हैं, हर संतरी के अधिकार हैं। लेकिन कुछ आदमियों ने संविधान को से भी ऊपर चले गए, समाज से भी ऊपर चले गए, राष्ट्र से भी ऊपर चले गए, और उनको खुली आज़ादी है तो महिलाओं का शोषण करें या जो है कुछ भी करें, उनको खुली आज़ादी है। अब जो ब्रजभूषण सिंह है, इसके खिलाफ जो FIR लॉज हुई, FIR लॉज होने के तुरंत बाद इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। पास्को एक्ट लगा हुआ है और ये जो इस तरह के जो इसमें सेक्शन हैं, उस सेक्शन में प्रावधान है। अब जहाँ ये मूवमेंट हो रहा है, ये देश की कैपिटल है, नेशनल कैपिटल है, ये यहाँ प्रधानमंत्री बैठा है, यहाँ कैबिनेट बैठी है, यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली का हाई कोर्ट है, महिला आयोग है, वो कहाँ है? वो सबके संज्ञान में है, सबके सबको पता है, लेकिन नहीं हो रहा, उसको गिरफ्तार नहीं करा जा रहा, उसको बर्खास्त नहीं करा जा रहा। उल्टा पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, इनके जो है ना लाइट काट दी जाती है, इनके जो है इंस्ट्रूमेंट उठा लिए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रावधान है कि भारत का कोई भी आदमी विरोध प्रकट कर सकता है, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकता है, ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन उस राइट को भी छीना जा रहा है। ये देश किसी व्यक्ति विशेष की बापोती नहीं है, और जहाँ ये मैटर है, ये जो मसला है, इसके बारे में मैं दो बात आपको बताना चाहूँगा। यहाँ इस देश में दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और महिलाओं को, लड़कियों को उसी रूप में देखा जाता है। ये तो नवरात्रे होते हैं, इनमें यही तो पूजा होती है। अब जो है मोदी जी ये समझें कि ये संस्कृति रही है। यहाँ सीता जी के ऊपर बहुत बड़ा युद्ध हुआ, द्रौपदी जी के ऊपर महाभारत हुआ, अब जो है सूचना इस डरने को आ जाए यहाँ से। क्या लगता है कि ये मुद्दा काफी इनके लिए महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा, या फिर क्या आपको कैसे? ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो लड़ाई बजवाने के लिए यहाँ भेजे हैं, सरकार के द्वारा भेजे हैं। वहाँ कुछ उत्पीड़न हो, दो भागों में बांटने का हो रहा आंदोलन को, पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये भारत की नारी शक्ति है,
देश को देवी है, ये देश को हिला देगी, देश को दाव पैंच जानती है, कुश्ती लड़न जानती है। ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये सिर्फ दंगा करवाने के लिए लोग भेजे हैं, पैसे दे देकर लोग भेजे हैं ये दंगा करवाने के लिए। ये जनता सब समझ चुकी है, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, अपने आप भाग जाएंगे अपने आप। लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है एक तरफ, इन सब मुद्दों पे मोदी जी खामोश है, क्या कहेंगे? मोदी जी तो खामोशी रह गए, उन्होंने भाई भाई की लड़ाई, कभी जाति बात पे यही काम है इनका, बीजेपी वालों का, RSS वालों का। ये खूनी पार्टी है, भाई भाई की लड़ाई बजवाना सोचती है, खूनी पार्टी, खूनी से RSS से कोई खतरनाक पार्टी है। क्या कह रही है, कुछ लोग बता रहे हैं टेलीविजन भाई, मीडिया तो एक खतरनाक मीडिया भी है, ये गलत क्वेश्चन करती है। उनसे क्यों नहीं क्वेश्चन पूछे जाते, क्यों नहीं मोदी से क्वेश्चन पूछे जाते, क्यों नहीं पुलिस से क्वेश्चन पूछे जाते, क्यों नहीं FIR दर्ज होती, क्यों गुंडागर्दी करते, क्यों नहीं आदमियों का आने जाते। मीडिया में बताया जा रहा है कि ये जो लोग सिर फोड़े हैं, पंखे से सिर फोड़ लिए, अपने आप से फोड़ लिए, कुछ नहीं, गुंडियों ना फोड़े, अमित शाह की पुलिस ना फोड़े, गुंडियों ना फोड़े। देखो हम तो पहलवानी को कहेंगे, लगातार जो 13 दिन हो गए ये अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं, भरत भूषण को गिरफ्तार करो, उसके समर्थन में आए हम भारतीय किसान उनकी तरफ से, दिल्ली प्रदेश की तरफ से, जो हम पहलवानों के साथ समर्थन, पहलवानों के साथ हम नहीं, 140 करोड़ भारतीय सभी पहलवानों के साथ है। जो कुछ हो रहा है 2 दिन पहले जो हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है, कोई सरकार को समझना चाहिए, इस तरह से तानाशाही करने से ये देश नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे सर? और अपने प्रदर्शन पर ध्यान रखें। आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या लग रहा है? दिल्ली पुलिस का जो बयान है वो कह रही है कि कोई हम लोगों ने कोई वायलेंस नहीं किया अपनी तरफ से, उन्होंने खुद ही मार लिया अपने आप को, इस तरीके की चीजें। देखिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आप जैसे सोशल मीडिया के पत्रकारों को जो इस सच्चाई को बाकायदा पूरी तरह से दिखा रहे हैं, नहीं तो दिल्ली पुलिस और भारत सरकार ने तो नेशनल मीडिया को सिर्फ वो चीज़ें दिखाने के लिए यहाँ छोड़ा है जो उसके पक्ष की हैं। असली सच्चाई आप लोग दिखा रहे हैं और आप लोगों ने दिखाया भी कि किस तरीके से पुलिस यहाँ पे बर्बरता कर रही थी। किसान यहाँ जो पहलवान यहाँ पर बैठे हुए हैं वो क्या लेके आए थे? एक चारपाई, वो भी मजबूरी के कारण, नहीं तो चारपाई की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक देखिए आपके यहाँ पर बेटियाँ जो सो रही हैं रात को, बारिश के कारण गद्दे गीले हो गए थे और बारिश के अंदर आप लोग भी जानते हैं कि ज़मीन के अंदर से कीड़े मकोड़े और ऐसे जहरीले जंतु बाहर आ जाते हैं, जो काट लें तो दिक्कत हो सकती है। तो पहलवानों के लिए सिर्फ खाटे भिजवाई थी हम लोगों ने और खाट के ऊपर मतलब कोई यह तो है नहीं कि वो डनलप के गद्दे थे, लकड़ी के तख्ते वाली खाट थी, उस पर सो जाते, सोने के लिए थी। बाकी पुलिस जो है, हम दिल्ली पुलिस को ये कहेंगे कि आप बहुत अच्छी पुलिस हो, विश्व के अंदर बहुत अच्छी पुलिस हो, लेकिन आप उस कसम को याद करिए जो आपने भर्ती होते वक्त संविधान की कसम ली थी कि हम इस संविधान के प्रति इस देश के अंदर कानून लागू करवाने के करेंगे, ना कि इन भ्रष्ट नेताओं की पॉलिसियों को लागू करेंगे। तो हम दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से अपील करेंगे कि अपने आकाओं की गलत नीतियों को लागू करने के लिए इन बच्चों के ऊपर ऐसा दुर्व्यवहार ना करें दोबारा से। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।